आम तौर पर एक गलत धारणा कई लोगों के दिमाग में है कि डॉक्टरों से अगर आप मशीनों से दांत की सफाई कराते हैं तो उससे आपके दांत कमज़ोर हो जाते हैं या हिलने लगते हैं या उनमें कोई और दिक्कत आ जाती है जैसे ठंडा पानी लगना वगैरह वगैरह। मैं ये बहुत ही साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर सही तरीके से आपकी सफाई का प्रोसीजर किया गया है तो आपको इस तरह की कोई भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। दांतों की सफाई के लिए क्लिनिक में जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है वो अल्ट्रासोनिक से चलती है और उसका अल्ट्रासोनिक इन काम के लिए इस्तेमाल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हटाएगा, उसी परत को हटाएगा जो ऊपर से आके आपके दांतों पर जमी है, ना कि आपके दांत के खुद के ढांचे को किसी भी तरह से वो हानि पहुंचाए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा परत का जमाव आपके दांतों पे पहले से ही है जिसे हम प्लाक या टाटर कहते हैं, तो उसको हटाने के बाद कई बार दांतों की में थोड़ा सा हिलना हम देख सकते हैं, पर इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको एक जो आपके यथार्थ है और दांतों की आपकी जो सही स्थिति है ये आपको उसका ज्ञान या बोध करा रहा है, न कि प्रोसीजर करने के कारण कोई नई दिक्कत हो गई है। तो अगर ये दांत की सफाई का प्रोसीजर सही तरीके से सही क्लिनिक और डॉक्टर से कराया जाए तो इसको करने में बिल्कुल किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है और हर किसी को कोशिश करके हर 6 महीने में एक बार अपने दांतों का चेकअप और दांतों की सफाई ज़रूर करवानी चाहिए।